देवरी तहसील के बोरगांव में 30 जून की सुबह 10 बजे के दौरान पिकअप वाहन क्रमांक MH33GO9059 के चालक का वाहन पर से नियंत्रण छूट जाने के कारण वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गया। इस घटना में वाहन पर सवार होकर धान की रोपाई के लिए फुक्की मेटा जा रही 31 महिलाएं मजदूर घायल हो गई, जिनमें से 8 को गंभीर चोटें आई है जबकि शेष महिलाओं को मामूली चोटें आई है। महिला मजदूरों को लेकर जा रहे वाहन चालक का नाम डौकी निवासी प्रवीण राउत, उम्र 22 वर्ष है। उक्त सभी महिलाएं बोरगांव निवासी है एवं अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर फुक्की मेटा गांव में जा रही थी। वे वहां फुक्की मेटा निवासी किसान संतोष ब्राह्मण करके खेत में धान की रोपाई के लिए जा रही थी। घायलों में से जिन्हें अधिक चोटें आई है उन्हें उपचार के लिए गोंदिया रेफर किया गया, जबकि मामूली रूप से घायलों का इलाज देवरी के ग्रामीण अस्पताल में ही किया गया, जिनमें से अधिकांश को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। जिन्हें अधिक चोटें आई है और उन्हें उपचार के लिए गोंदिया रेफर किया गया उनमें डौकी निवासी केसर लांजेवाल, पूनम राउत, सीता सोनवाने, फूलन घासले, मीराबाई सहारे, पार्वताबाई ताराम, सविता सहारे एवं सुनीता ठाकरे का समावेश है। इस घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। मिनी ट्रक में इतनी बड़ी संख्या में महिला मजदूरों को बैठाकर लेके जाना भी नियम बाह्य है। इस पर पुलिस प्रशासन को भी ध्यान देने की आवश्यकता होने की बात ग्रामीणों ने कही। जर्जर मार्ग के कारण हो रही दुर्घटनाएं, डौकी से फुक्की मेटा मार्ग की हालत काफी खस्ता है एवं वहाँ आए दिन सड़कों पर पड़े गड्ढों के कारण छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन के साथ ही नागरिक जन प्रतिनिधियों को भी जिम्मेदार मान रहे। ग्रामीणों का कहना है कि यदि यह मार्ग अच्छी अवस्था में होते तो इस तरह की दुर्घटनाओं को निश्चित रूप से टाला जा सकता है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ अपने केबल नेटवर्क के SN चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।